बताओ, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार मुझे आगे बढ़ने देते। किरोड़ीलाल पर 5 केस हैं, प्रमाणित हो चुके हैं, खुद अपराधी है, वो कानून की बात करता है, कानून का वायलेशन कर रहा है, खुद अपराधी हो, उसको तो सरेंडर कर देना चाहिए। वो किसको कौन सी बात करता है, किस अधिकार की बात करता है, किन की किसके लिए लड़ रहा है वो खुद अपराधी है। जो आदमी जिसके पास 5 केस लगे हुए हैं उसको तो सरेंडर करके अंदर जाना चाहिए। वो तो न्यूसेंस करने के अलावा उसके पास काम क्या है? वही तो हम बात कर रहे हैं कि ये माहौल, जैसा अभी हम अरेस्ट करने के लिए उसको क्या रखा है पुलिस को, माहौल खराब करते हैं, वातावरण बनाते हैं कि भाई हम सही हैं। तो मैं तो किरोड़ीलाल मीना को कह रहा हूँ कि कानून की बात करता है, फिर कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो किरोड़ीलाल तो खुद कानून का ही वांटेड है, अपराधी है, 5 केस प्रमाणित हो चुके हैं, CID CV से कितनी बारी जाँच हो चुकी है उसकी, वो खुद अपराधी है, तो उसको तो खुद को सरेंडर कर देना चाहिए कि मैं अपराधी हूँ। किरोड़ीलाल पर 5 केस हैं, प्रमाणित हो चुके हैं, खुद अपराधी है, वो कानून की बात करता है, कानून का वायलेशन कर रहा है, खुद अपराधी हो, उसको तो सरेंडर कर देना चाहिए। वो किसको कौन सी बात करता है, किस अधिकार की बात करता है, किन की किसके लिए लड़ रहा है वो खुद अपराधी है। जो आदमी जिसके पास 5 केस लगे हुए हैं उसको तो सरेंडर करके अंदर जाना चाहिए। वो तो न्यूसेंस करने के अलावा उसके पास काम क्या है? वही तो हम बात कर रहे हैं कि ये माहौल, जैसा अभी हम अरेस्ट करने के लिए उसको क्या रखा है पुलिस को, माहौल खराब करते हैं, वातावरण बनाते हैं कि भाई हम सही हैं। तो मैं तो किरोड़ीलाल मीना को कह रहा हूँ कि कानून की बात करता है, फिर कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो किरोड़ीलाल तो खुद कानून का ही वांटेड है, अपराधी है, 5 केस प्रमाणित हो चुके हैं, CID CV से कितनी बारी जांच हो चुकी है उसकी, वो खुद अपराधी है, तो उसको तो खुद को सरेंडर कर देना चाहिए कि मैं अपराधी हूँ।